अल्लाह मुफ्ती साहब मैं वॉशिंगटन से बात कर रही हूँ आपका शो बहुत अच्छा है और हम लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस मेरा आज का मसला ये है कि मेरी शादी को दस साल हो गए हैं मेरी दो बेटियाँ हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज्यादा शक करते हैं मुझ पे बहुत ज्यादा हर छोटी छोटी बात पे शक करते हैं आज दस साल में बाद भी वो इंसान मुझ पे शक करता है और अब मेरी जहनी हाल हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ अगर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो, मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे कैसेबार दिलाऊँ बहुत वजीफे किए हैं लेकिन आज मेरी आपसे है आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दुआ पढ़ने के लिए दिन कि वो ये बात पे उनको यकीन आ जाए ऐसा कुछ नहीं है और वो ठीक हो जाए बहुत शुक्रिया बहुत शुकरी, <laughs> वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशाल्लाह आपने सवाल बड़ा सेंसिटिव सवाल किया ऐसे लोगों के इलाज तो मैं आपको बताता हूँ किक आउट उसको किक आउट करें कहा कि हाँ मैं करती हूँ डायस इट भागो यहाँ से मैं तो ऐसों को आप अल्लाह को देख कर उसको किक आउट कर या अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ फ़ीमा बहन अल्लाह मामला ये है दस साल हो गए हैं मैं पाकिजा जिंदगी गुजारती हूँ ये नालायक शक करता है और शक करने वाला शोर जो है ना याद रखो कभी जरूर नहीं होता ये बुढ़ापे तक शक करता रहेगा लिहाजा इसका इलाज है कि आज ही आप जान छुड़ाएं इसको कल ही नोटिस भेजें कहा जी हाँ जी मेरा मामला अल्लाह के दरमियान है अगर मैं आपके इलम के मुताबिक ऐसा करती हूँ तो करती हूँ भाई आप तो वाशिंगटन में बैठी हैं सारे लॉ तो वहीं से निकलते हैं आप डट के हाँ जी आप क्या कर लेंगे करो क्या कर लेंगे तलाक देंगे दें तलाक चलिए रास्ता नापिए असल में आप लोग जितना डरती रहेंगी ना अब ये पाकिस्तान में जो मोटरवे का वाक़ हुआ है वो खातून भी ज़रा थोड़ी सी जोड़ो कराटे उसने भी सीखे होते और एक जो है ना वो कहता ना वो अपना हिफाजत के लिए अपना दिफा के लिए असला भी अपना पास रखा होता दो चार फायर भी करने उसको आते ना तो इन शाला कोई माई का लाल ना पास आता लिहाजा मैं पाकिस्तान की औरतों से भी दरखास्त करता हूँ थोड़ी सी जामबाज़ फ़ोर्स से फौज से ट्रेनिंग भी ले लें थोड़ी सी वो जामबाज़ फोर्स पहले ज़माने में बना था बड़ा अच्छा था इमरान हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है दोबारा शुरू कर दें घर की औरतों को भी ट्रेनिंग दें ट्रेनिंग दें वो जोडो कराटे की ट्रेनिंग दें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे स्कूलों के अंदर लाजमी कर दें और ये जो है वो यह असला चलाने की ट्रेनिंग दें ये कोई माइका लाल यहाँ अमरीका और यूरोप में हर और असला अपने पर्स के अंदर ले के फिरती है हर एक के पास यहाँ पर वो रिवालवर कम से कम उसकी पर्स के अंदर होता है आप हवाई फायर तो करेंगी ना ये तो कुरान ने कहा वाईद्ल सलाकुवतीबातल तो रिबूना भी उदू अल्लादूकूम कि अपने असला गोली तैयार करके रखो ताकि उसके जी तो अपने दुश्मनों को या और अल्लाह के दुश्मनों को डराओ ये तरहीब पैदा करने के लिए लिहाज़ा मैं तो उस वाक़े पर यह भी कहता हूँ कि वहाँ मुसलम जो औरतें हैं पाकिस्तान की जोड़ो कराटे सीखें बच्चे बच्चियाँ स्कूलों के अंदर जो है मार्शा आर्ट सीखें वो जो है दस पर्दों के अंदर वो हिंदू माशे की तरह बिल्कुल डर पोक होके ना ज़िंदगी गुजारें बुखारी शरीफ की अधीस जाकर तो देखो बुखारी शरीफ हमारी मुसलमान औरतें खैर वुरून के अंदर तो वह मैदान जिहाद में उतर के कैदियों की मरम पट्टियाँ करती थी वहाँ घोड़ों के ऊपर सवार होकर दवाइयाँ पहुँचाती थी पानी पहुँचाती खुराकें पहुँचाती जंग के अंदर और आज हमारी आदत क्या है ये हिंदू का है कि ना हम भी बिल्कुल डरपोक हो गए और पैर की जूती बन गए इसलिए आप औरतें भी मज़बूत बने अपने आप में ये सिर्फ अल्लाह पर निगाह रख के कोई जाति दुश्मनी नहीं खुदा पर निगाह रख के क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मर्दों की ये खबासें बहुत बढ़ती जा रही हैं इसलिए पाकिस्तान में मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि वहाँ औरतों को भी ट्रेनिंग दे वो कल को मुल्क की सर्दों की भी मुहाफ़ बनेगी और अपनी ज़ात की भी मुफिज़ बनेगी और बाकी आपको मैं यही कहता हूं कि आप बिल्कुल डट जाइए कोई आप दुआ में बताऊंगा लेकिन आप डट के कि हाँ भी है ऐसा ठीक है, है जाओ आप रास्ता पे तलाक देनी तलाक लिखो अभी वरना आज के बाद अगर तुमने शक किया अगर तुमने मुझ पर तोहबत लगाई अगर तुमने नेगेटिव बात की तो फिर मैं तुम्हारे से जो करूंगी तो आज के बाद फिर घर में नजर नहीं आओगे तुम आप आज ही नोटिस दे दें ऐसी औरतों को मैं यही कहता हूँ फौरन नोटिस उसको भेजो तलाक का खुले का दफा हो निकलो क्योंकि ऐसे खबीज जो होते हैं ये नफस्याती मरीज होते हैं ये नफस्याती मरीज का इलाज जो कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके उसको नफस्याती हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाए कि मियाँ बीवी का ये ताल्लुक जन्नत का की नमत है जो दुनिया में खुदा ने उतारी है उसकी ये नाकदरी और फिर उस पर शक करके वो खबीस फिर उसी के साथ रातें गुजारता है हया नहीं आती अगर तुम ये इतना ही शक है तो रातें क्यों गुजारता फिर उसके साथ इसे तो नबी वसल्लम ने ऐसे शख्स को कमीना कहा है ये कमीना लईन ना ये शख्स को दिन में बैल की तरह मारता अपनी बीवी को जहर है कि बहुत से लोग शक की वजह से मारेंगे ना मारता और रात को उसी के साथ सोबत करता तो ऐसे कमीने के साथ ऐसे गंदे अंडे को आप परों में छुपा के क्यों बैठी हैं वो मुर्गी भी खोकर मार के गंदे अंडे को बाहर फेंक देती है ऐसे को आउट करें और बाकी रहा आप पढ़ने का वो नोट कर लें अल्लाह ताला उसकी असलाह कर दे उसके लिए आप नोट कर लें युख्रजु मिनमात नूर यूसो बकरत नंबर टू फिफ्टी सिक्स का टुकड़ा है यू खुर्जुमिन ूमाती नंदूर कि अल्लाह निकालता है हदेरों से रोशनी की तरफ इस तस्वूर के साथ आपने एक सौ उन्नीस दफ़ा ईशा गवाद पढ़ना है अल्लाह की ग्यार्म पदरशीब पढ़ के पानी दम करके इस नालायक को पिलाएं हो सकता अल्लाह इसकी ना हटा के इसको लाइक कर दें और लाइक अगर कर दें तो जह किसम जे नसीब लेकिन आप फोटी वन डे इसका तजर्ब कर लें अगर आप अगर कमज़ोरी फील कर रही हैं कि तलाक लेना और ये मुकाबला मुश्किल है तो फोटी वन डेज तक दुरुस्त ना हुआ तो इकतालीस दिन के बाद इसको किक आउट कर दें ये मेरा आज मशरा है आज या 10 साल बाद जान छुड़ा लेंगी तो बहुत अच्छा वरना आप जो है वो साल के बुढ़ापे में भी, भी ये शक व शुभा शुभा के अंदर ही कैंसर की मरीज़ हो जाएंगी अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए बहुत शुक्रिया सर आज तो बहुत ही छूते सवाल हो गए क्या कर ये मौजूद जब आता है मर्द औरत वाला मैं जज्बाती हो जाता हूँ कि ये इतनी बड़ी नेमत घरों में खुदा ने ये बीवी दे रखी है जो चार दीवारियां छोड़ के आपकी दिलजोई के लिए आ गई है और आप उसको जो है वो फूल को सोंख का खुशबू लेने के उसको मधोड़ते हैं पाँव में रोनते हैं कितनी मुझे इसलिए मैं आपे में नहीं रहता टाइम भी निकल जाता बिल्कुल ऐसे ही हो गया अल्लाज